सैमसंग के फोन्स पर फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद भी अगर आप डेटा यूज करना चाहते हो, इंटरनेट यूज करना चाहते हो, तो आप नॉर्मली नहीं कर सकते। मतलब जो दूसरे फोन्स पर कोड डायल करके होता है ना, वैसे सैमसंग के अंदर नहीं होता। और कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था कुछ सीक्रेट कोड के ऊपर एंड्रॉइड फोन्स के, बट वहां पर कमेंट पर मुझे देखने को मिला कि ये सैमसंग के ऊपर काम नहीं कर। सो मैंने सोचा कि सैमसंग का ट्रिक भी लाऊं, वीडियो को लास्ट तक देखना। बट उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होगा आपको जो प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, 4G LTE स्विचर। ये एप्लीकेशन आप पहले डाउनलोड कर लो, देन इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन हो सकता है, अलाउ करना पड़ जाए तो अलाउ कर देना। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन रहेगा, फोन इन्फो, नेटवर्क इन्फो, हिडन सेटिंग्स। हमें जाना है फोन इन्फो पर। और हाँ, सबसे पहले आप अपना फ्लाइट मोड जो है उसको एनेबल कर लो, उसके बाद ये सेटिंग्स कर लो। तो फ्लाइट मोड एनेबल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करो, फोन इन्फो पर जाओ, और यहाँ पर जो भी सिम पर आप डेटा यूज करना चाहते हो ऊपर से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक सिम है तो वो वहाँ पर एक ही दिखाई देगा। देन नीचे मोबाइल रेडियो पावर, ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा, इसको एनेबल कर दो। उसके बाद ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन पर जाओ और यहाँ पर लिखा रहेगा एनेबल डेटा कनेक्शन, इस पर क्लिक कर। सिंपली इतना ही करना है सिर्फ आपको। आपके सैमसंग के फोन के अंदर भी फ्लाइट मोड एनेबल होने के बावजूद भी डेटा ऑन हो जाए। तो जाओ इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियोज के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है अगले वीडियो पर नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय।